The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar. As you all know, I'm Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Aaj hum baatcheet karenge back pain pe. सबसे इम्पॉर्टेंट एक शूटिंग एक्यूट बैक पेन डेंजरस हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है. अगर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाए बैक में, ज़्यादातर लोअर बैक में, तो वो क्या हो सकता है, वो उन सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे. और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे. देखो, एक्यूट लोअर बैक पेन का मतलब है एकदम से आपके पीठ के पिछले हिस्से में या तो बहुत ज़ोरदार स्टिफनेस आ गई है, हिला नहीं पा रहे हो और हिलाने पे बहुत ज़ोरदार दर्द हो रहा है. देर इज़ डिक्रीज ऑफ योर नो द मूवमेंट और यू आर नॉट इवन एबल टू स्टैंड अप. ऐसा पेन, जी हाँ, एक्यूट बैक पेन मतलब जो कुछ ही दिनों का है, महीनों का नहीं है, कुछ ही दिनों का है, कुछ ही एक आध हफ्ते से है, एक दो हफ्ते से है. ऐसा बैक पेन क्यों हो सकता है? क्या ये किडनी से है? क्या ये लोअर बैक इंजरी है? क्या है, राइट? देखो, बहुत सारे मतलब लिटरली सबको लोअर बैक पेन होता है और होगा, पर सवाल ये नहीं है कि लोअर बैक पेन है, सवाल ये है कि क्यों है, राइट? लोअर बैक पेन कैन हैपन इवन पूरी बैक में कहीं भी हो सकता है, लेकिन लोअर बैक आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है. एंड इफ दैट पार्ट डज नॉट गेट द प्रॉपर सपोर्ट, तो आप खड़े नहीं हो सकते, राइट? इसका लिटरली अगर इस चीज में बहुत कॉमन कारण है लोगों का ऑर्थोपेडिक डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का, लोअर बैक पेन है. सो एक्यूट लोअर बैक पेन बहुत सारे कॉमन से, ऑब्वियसली इंजरी तो अपने आप में एक कारण है ही कि चोट लग गई, इंजरी हो गई, चोट लग गई, गिर गए, गलत वजन उठा लिया, वो तो है ही. लेकिन उसके अलावा क्या क्या कारण है इनका आपको पता होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स. एक्यूट लोअर बैक पेन इज बिकॉज ऑफ आइदर द बोन, द मसल, द टेंडन्स, द लिगामेंट्स. मसल स्पाजम हो सकती है, मसल स्टेयर हो सकती है, लिगामेंट फट सकते हैं और अंदर से भी पेन आ सकता है. पीछे किडनी का पेन हो सकता है, नसों से शियाटिका वाला पेन हो सकता है, राइट? देयर कैन बी लिटरली फ्रैक्चर हो सकता है आपके हड्डियों के वर्टिब्रल कॉलम में. मे बी आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके वजह से सिर्फ थोड़ा बहुत वजन उठाने से या जोर से खड़े होके कूदने से भी फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो गई. कैंसर हो सकता है स्पाइन का, वहां पर पेन हो सकता है और चोट लगने के वजह वो फ्रैक्चर हो ही सकता है. मसल स्पाजम हो सकता है, आपकी डिस्क हर्निएट हो सकती है, डिस्क पीछे हर्निएट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है. फिर शियाटिका, नस को दबना, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल कर्वेचर खराब हो गया तो भी पेन हो सकता है, और कुछ नहीं तो मसल पे स्ट्रेन हो जाने भर से भी एक्यूट पेन हो सकता है. लेकिन लोअर बैक पेन अंदर से, पेट के अंदर से भी आ सकता है. अंदर से आने का कारण होता है एब्डोमिनल एओर्टा, पेट का एब्डोमिनल एओर्टा. अगर वहां मान लो एक कारण है एब्डोमिनल एओर्टा, उसमें अगर एन्यूरिज्म वो लीक कर रहा है, राइट, आपके वहां से पेन हो सकता है. आपको किडनी में इन्फेक्शन हो या किडनी में स्टोन हो, तो किडनी से रीनल कोलिक होके जो पेन होता है, भैया आदमी कूदने लगता है, इतना दर्द होता है. फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में पेन हो सकता है, दिक्कतें हो सकती है आपको. मेडिकल कंडीशन जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ओवरियन सिस्ट, ओवरियन कैंसर, यूटराइन फाइब्रॉइड, फीमेल्स के कारण, फीमेल सिस्टम के कारणों के वजह से पेन हो सकता है. आपके पेल्विक एरिया में, नीचे के एरिया में, सैक्रोइलियाक जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आर्थराइटिस के वजह से पेन हो सकता है वहां पर. सो बहुत से कारण है, पेन होने के बहुत सारे कारण है. बात आती है कि भाई अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है, कोई पेन है, तो पता कैसे करोगे? अगर आपको याद रखिए, सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं.
कोई भी ऐसी सिम्टम वाइज नहीं बता सकते कि ये किडनी का ही है, ये आर्थराइटिस का ही है, ये इसका ही है। हर एक को अलग अलग जगह पे टिंगलिंग नमनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, किसी को इचिंग, किसी को शार्प, किसी को शूटिंग पेन, किसी को माइल्ड, किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर। सो एक बैक पेन का इवेल्युएशन होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल असेसमेंट होनी चाहिए। कैसे जीते हो, क्या खाते हो, सही से उठना बैठना आता है नहीं आता, कि घुटने मोड़े बगैर बैठ जाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। आपका कॉज उन चीजों पे डिपेंड करता है, एग्जामिनेशन ऑफ यू एज अ होल, कैसे आ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, एंड देन योर हिस्ट्री, कैसे आपकी लाइफ में क्या कोई इंजरी है, कोई कोई रोग, कोई दूसरी बीमारी है, कोई दवा लेते हो, कोई टेस्ट करवाया है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन चेक होता है कि कहाँ पेन है, टेंडरनेस है, रीनल एंगल होता है एक, वहां पर दबाने से पेन हो रहा है, मतलब रीनल पेन है, रीनल कोलिक है, किडनी पे सूजन हो तो बाहर से वेन एलिसाइट किया जा सकता है, साइन हो सकता है रीनल कोलिक का, किडनी पे दर्द का। ज्यादातर लोगों को जो पेन होता है वो अगर एक्यूट है तो कुछ ही हदों से 3, 4 से 5, ज्यादा ज्यादा 4 या 6 हफ्ते में कम हो ही जाता है, लेकिन टेस्ट करना जरूरी है। टेस्ट में आपको एक तो पहले अगर बोन का शक लग रहा है तो एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये होते हैं हड्डियों में या डिस्क में प्रॉब्लम लग रही है, अंदर प्रॉब्लम लग रही है पेट के अंदर, तो आपका एमआरआई में दिख जाएगा, सीटी में स्टोन दिख जाएगा, अगर किडनी में स्टोन करेंगे, अल्ट्रासाउंड भी एक टेस्ट है। और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कारण पे कि आपके पीठ में दर्द हो रहा है किस कारण पे। अगर कोई ऐसा दर्द है जिसके वजह से आप हिल नहीं पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ ऐसी टिप्स हम दे सकते हैं जो सार्वजनिक है, सारी चीजों पे काम करेगी। जैसे कि पहले तो नॉर्मल एक्टिविटी को आपको अपनी रिड्यूस करनी होगी कुछ दिनों के लिए, रिलीव करने के लिए, और अगर वहां आपके दर्द को रिलीव करने के लिए, और अगर वहां दर्द है तो आपको वहां पर दोनों में से एक चीज लगानी है, या तो हीट या आइस, दोनों नहीं लगानी। पहले 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन आइस लगानी है, उसके बाद हीट लगानी है, पहले आइस फिर हीट। आइस से सूजन कम हो जाती है, हीट से मसल रिलैक्स होती है, आराम आता है, दोनों अलग है, ठीक है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले सकते हो, पेन किलर, आइबुप्रोफिन, टाइनलॉल, एसिटामिनोफेन, राइट, नेप्रोक्सिन, ऐसी चीजें आप ले सकते हो कुछ दिनों के लिए खुद से, और गैस्ट्राइटिस के लिए एंटासिड ले सकते हो अगर उसके साथ आपको गैस होती है। जब सो रहे हो तो ट्राई इन अ कर्ल्ड अप पोजीशन, फीटल पोजीशन, पैर और हाथ अंदर करके, जैसे फीटल पोजीशन में सोते हैं वैसे सोएंगे तो आपकी जो बैक है वो रिलैक्स होती है। पिलो रख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में पिलो, तो और अच्छा रहता है। अगर बैक से पेन है तो इससे रिलीफ मिलेगा, और अगर अंदर से है, रीनल कोली कुछ है, तो अलग बात है, फिर उसके लिए अलग से टेस्ट होंगे। कॉमन मिस बिलीफ है कि अगर आपको बैक पेन है तो आपको रेस्ट लेना है और एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करनी है, बेड रेस्ट रेकमेंडेड नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बेड रेस्ट रेकमेंडेशन पे आपको ब्लैडर, बाउल कंट्रोल, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, ऐसी चीजें हो सकती है, तो एक्टिव रहना है, लेकिन हैवी सामान नहीं उठाना है, पोस्चर मेंटेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी को पहले 2 दिन के लिए रिड्यूस करो, बंद मत करो, राइट, देन धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग इज वेरी गुड, मसाज करवा सकते हो, एक्यूपंक्चर करवा सकते, एक्यूप्रेशर करवा सकते, स्पाइनल मैजिक मैनिपुलेशंस कायरोप्रैक्टर से करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर डायग्नोसिस के बाद, पहले डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम कहाँ है, हड्डी में है, शियाटिका है, नस दब रही है, कि क्या हो रहा है। इफ यू डोंट नो, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज कॉजिंग योर बैक पेन, टू गेट रिड ऑफ इट एंड टू प्रिवेंट इट, द बेस्ट इज टू इंप्रूव योर पोस्चर। अपने पोस्चर पे खड़े रहने पे ध्यान दो, ऐसे स्लॉच करके सीधा बैठो, स्लॉच करके नहीं, सीधा बैठने की आदत डालो, अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करो, लूज वेट, अवॉइड फॉल्स, गिरो मत,
वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लिफ्ट टू हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट नहीं उठाना है, बहुत स्प्रेड नहीं करना है, स्प्रेड अपने हिप्स को ऐसा वैसा ऐसी तैसी नहीं करनी है। मसल, स्टमक मसल्स को अपने स्ट्रेंथन करो, पेट को खींच के रखने की आदत डालो, राइट। बहुत सारी कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बाकी जनरल हेल्थ अपना टेक केयर करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव, एंड बिफोर दैट, बिफोर एनीथिंग एल्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। हर बार वीडियो लाइक करके शेयर करना है, अति आवश्यक है सही जानकारी फैलने के लिए। गलत जानकारी नहीं दे रहे यहां पर, नुस्खे नहीं दे रहे कि ये कर लो वो कर लो तुक्के मार लो, नहीं, सही जानकारी से नुकसान नहीं होगा, नुकसान से आपको दिक्कत ज्यादा है, मेक श्योर दैट।